भी मिल। चलो ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में प्रोकैरियोटिक का थोड़ा सा बताया था ना, थोड़ा डिटेल करते हैं, फिर यूकैरियोटिक में चले। चलो ध्यान से। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर में जो मेन मेंबर है ना, वो बैक्टीरिया है। अगर पूछा जाए मेनली कौन है, ठीक है, बहुत सारे उसके एग्जाम्पल आएंगे, लेकिन सोल मेंबर, मेन मेंबर याद रखना है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया कई सारा शेप का होगा, मेनली रॉड शेप का होता है, इस तरह का शेप का दिखेगा। तो सबसे पहले ये हमने आपको बताया था, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, किस चीज से बना होगा बात करेंगे। उसके बाहर में होगा सेल वॉल। सेल वॉल एक स्पेशल केमिकल का बना होगा, बताओ याद है सेल वॉल जो है। हाँ आपको ग्लाइको बोलो। कैलिक्स के बारे में बताए थे, म्यूरिन नहीं, सेल वॉल बताया था मैंने, म्यूरीन या पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं बताया हूं। और पेप्टोग्लाइकन। हाँ ठीक है, और उसके बाहर में होगा, इट इज अ ग्लाइको कैलिक्स। तो हो गए तीन कवरिंग, सबसे बाहर नीला वाला ग्लाइको कैलिक्स, अंदर वाला सेल वॉल, और उसके अंदर में सेल मेम्ब्रेन। तो ये तीनों मिलकर के कहला गए आपके सेल इनवेलप, ये पूरा का पूरा सेल इनवेलप। तो सेल इनवेलप के अंदर तीन पार्ट्स हमने पढ़ा। सबसे पहले ठीक है, येलो वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फॉस्फोलिपिड का बना होगा, ठीक है, बाद में बात करेंगे उस पे। और ये सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल है, CW लिखते सेल वॉल, और ये बना है केमिकल से जिसका नाम पूछा जाएगा, म्यूरिन म्यूरिन, या पेप्टिडोग्लाइकन, PG लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म पेप्टिडोग्लाइकन। में, ठीक है। इसके बाहर में होगा, इट इज अ ग्लाइको कैलिक्स। ग्लाइको का मतलब शुगर होता है, यानी यहाँ पर होगा शुगर का कवरिंग, ग्लाइको कैलिक्स। अब ये ग्लाइको कैलिक्स एक्चुअली में दो लेयर, दो तरह के होते हैं। कभी कभी ये पतला होगा, थिन होगा, कभी कभी ये स्लाइम पतला थिन होगा, तो बोलो क्या नाम देंगे। स्लाइम हाँ थिन होगा तो स्लाइम लेयर, ठीक है, और अगर थिक होगा तो नाम देंगे हम लोग कैप्सूल, कैप्सूल। ठीक है, तो कैप्सूल नाम दिया, चलो ठीक है। अब अंदर की बात करें, अंदर में फ्लूइड पार्ट होगा, इट इज अ साइटोप्लाज्म, या ठीक है, इट इज अ साइटोप्लाज्म, ठीक है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर के तरफ धसा हुआ है, कुछ इनग्रोथ बना रहा है, इनफोल्डिंग बना रहा है ना, ठीक है। तो ये जो जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर में ट्यूब के तरह, ठीक है, या इस तरह का घड़े के तरह दिखेगा, या इस तरह का दिखेगा स्ट्रक्चर, बताओ। इस इनफोल्डिंग को कुछ स्पेशल नाम दिया गया था, मीजोजोम। मीजोजोम। तो ये होता क्या, कुछ नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर का इनफोल्डिंग है। द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज मीजोजोम। जो तीन तरह का हो सकता है, मैंने जानबूझ करके तीन तरह का इसलिए बनाया। पहला मैंने बनाया जिसे हम लोग कहेंगे टिब्यूल्स की तरह, पहला जो तुम्हें दिख रहा है नंबर वन पे, ये टिब्यूल्स की तरह। दूसरा थोड़ा घड़े की तरह दिखेगा, तो इसे हम लोग कहेंगे वेसिकल की तरह, और तीसरा ये दिखेगा, इसे कहेंगे लैमेली की तरह, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक। काम क्या है वो इम्पोर्टेंट है, काम है बोलो, कुछ याद है। तो यस सर। बैक्टीरिया के अंदर में सेल जो ऑर्गेनेल होंगे, मेम्ब्रेन बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, प्लास्टिड नहीं नहीं है, एंडोप्लाज्मिक नहीं रेटिकुलम नहीं है, गॉल्जी बॉडी नहीं नहीं है, तो भाई काम कैसे करेगा, एटीपी कैसे बनेगा। तो मीजोजोम को बोला गया कि मीजोजोम भाई बनाना। साहब देखो, मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, तो ऐसा करके एटीपी तू बना दे, चलो भाई एटीपी मैं बना दूंगा। गॉल्जी बॉडी नहीं है तो चीजों को सिक्रीट करना है, सिक्रीशन तू कर दे। और मेन काम है कि ये सेलिंग बैक्टीरिया के अंदर एक ही क्रोमोजोम है, या जेनेटिक मटेरियल बताया था, या डीएनए बताया था, एक ही उसके पास में क्रोमोसोम या डीएनए या जेनेटिक मटेरियल है, बस एक ही है ना, बस ये देखो ये एक ही है। अब प्रॉब्लम है कि बैक्टीरिया बहुत तेजी से डिवाइड करता है, 20 मिनट में बैक्टीरिया डबल हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया एक से दो हो गए 20 मिनट में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसके पास क्रोमोसोम तो एक ही है ना, जी।
वो क्या करेगा, बोलेगा मीजोजोम को कैसा करना कि मेरे जो क्रोमोजोम है ना उसको डबल कर दे, उसका एक और कॉपी बना दे, फिर मैं दोनों बेटों में, दोनों में एक एक दे दूंगा, एक एक दे दूंगा, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वो मीजोजोम की हेल्प से जो डीएनए है ये वो अपने आप को डबल करेगा, अपना एक कॉपी बनाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिका मतलब हूबहू कॉपी बनाना। तो यहां पर रेप्लिकेशन किसका किया, डीएनए का किया, तो नाम पड़ा डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, जरूरी है। मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम है, एक सेल में वो डिवाइड होगा दो सेल में, तो एक सेल में 46 है, दो सेल बने, दोनों को 46 चाहिए। तो सर ऐसे कैसे हो सकता है, सेल में तो 46 ही क्रोमोसोम है, डिवाइड करेगा दो सेल बने, दोनों में 46 कैसे जाएगा, तो हम 46 को डबल कर दे, 92 कर दे, फिर 46 बांट दे। तो यही आगे में सेल डिवीजन में सीखना पड़ता है। चलिए, तो यहां पर एक ही था, हमने उसको डबल कर दिया। चलो अब बात करते हैं इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए क्रोमोसोम। पहले बता रखा, क्या कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है क्या, नहीं। इसलिए क्या नाम पड़ा, नेकेड। क्यों नाम पड़ा नेकेड, क्योंकि कोई बाहर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, इसलिए नाम पड़ा नेकेड। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां हिस्टोन नाम का प्रोटीन एब्सेंट होता है, वो यूकैरियोट्स में होता है, हिस्टोन नाम का प्रोटीन यहां एब्सेंट है। तो सर फिर कैसे होगा, उसके जगह पे कुछ दूसरे, हाँ पॉलीएमाइंस होंगे, उसके जगह पे कुछ दूसरा होगा, पॉलीएमाइंस होगा, हिस्टोन तो नहीं होगा। ठीक है, अब बताओ शेप वाइज कैसा होगा, इनका जो क्रोमोसोम है शेप वाइज कैसा होगा, सर्कुलर है या लीनियर है, सर दिख तो रहा है सर्कुलर है, सर्कुलर है। और नंबर कितना होगा, एक होगा, नंबर कितना होगा, एक एक, हाँ यूकैरियोट्स में एक से ज्यादा। ठीक है, एक कंफ्यूजिंग, मैंने हमेशा बोला जो डीएनए होता है उसमें दो धागे से बना होता है, दो धागे से बना, एक धागा नहीं है, दो धागा है, दो धागा, जैसे हमारे घर में सीढ़ी होता है, बस उसी तरह से डीएनए दिखता है, लैडर की तरह, लेकिन थोड़ा घुमावदार। हमारे घर में सीढ़ी ऐसी है, लेकिन रियल में डीएनए ऐसा दिखेगा, घुमावदार सीढ़ी दिखेगी। तो उसी को कहते हैं डबल स्टैंडर्ड आएगा, क्या सिंगल स्टैंडर्ड होगा, भले नहीं, अरे डबल डीएनए जहां भी होता है दो स्टैंड वाला होता है, दो स्टैंड वाला होता है, डबल स्टैंडर्ड। चलो याद होगी। अब यहां पास कुछ बैक्टीरिया में, सभी में नहीं, कुछ बैक्टीरिया में इस मेन डीएनए, मेन क्रोमोसोम के अलावा, कुछ बैक्टीरिया में इस मेन डीएनए, मेन क्रोमोसोम, मेन डीएनए के अलावा कुछ और छोटे साइज के, छोटे साइज के भी डीएनए पाए जा सकते हैं। नंबर एक से ज्यादा हो सकता है, वह मेन डीएनए नहीं है, मेन डीएनए के अलावा कुछ और छोटे साइज के क्रोमोसोम या डीएनए पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम लोग नाम देंगे मिनी क्रोमोसोम, क्योंकि मेन क्रोमोसोम तो बड़ा होता है, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन ये तो छोटा क्रोमोसोम है, इसलिए क्या नाम दिया, मिनी क्रोमोसोम। और ये मेन डीएनए के अलावा है, मेन डीएनए तो व्हाइट वाला है, तो मेन डीएनए के अलावा है, तो इसलिए नाम पड़ा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यानी कि ये मेन के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मेन क्रोमोसोम का जो डीएनए उसका अलावा ही पाए जाते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसका नाम एकदम आज से याद कर लेना है, इसका नाम है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। सर प्लाज्मिड यूकैरियोट्स में नहीं, ये केवल प्रोकैरियोट्स में, P4 प्रोकैरियोट्स, P4 प्लाज्मिड, P4 प्रोकैरियोट, P4 पॉलीएमाइंस, P4 प्रोकैरियोट, P4 पेप्टिडोग्लाइकन, याद करो, P4 प्रोकैरियोट्स सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन, P4 प्रोकैरियोट, P4 पॉलीएमाइंस, P4 प्रोकैरियोट, P4 प्लाज्मिड। अब आएगा बताओ शेप कैसा दिख रहा है, प्लाज्मिड जो है वो भी एक डीएनए लेकिन मेन डीएनए के अलावा। सर काम सिंपल भाषा में सिखाता हूं, अगर तुमने इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल दिया, सेल मरेगा नहीं, सेल नहीं मरेगा,
लेकिन अगर मेन डीएनए को निकाल दिया, ये व्हाइट वाले को, सेल मर जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। इसलिए ये नेसेसरी नहीं है, एसेसरी है तो कुछ काम वाम करता होगा, कोई फंक्शन करता होगा, लाइफ के लिए जरूरी नहीं, एक्स्ट्रा कुछ काम वाम करता होगा भाई। सर एक्स्ट्रा काम क्या, एक्स्ट्रा काम क्या, तो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, उस पर बातें करेंगे कि ये एक्स्ट्रा काम क्या करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज वो समझना, आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसके चलते, इस प्लाज्मिड के चलते। यहां देखो ध्यान से, सेप कैसा है, तो सेप तो आपको दिख रहा है सर्कुलर सेप का, सेप तो दिख रहा है सर्कुलर सेप का, और सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड, बोले कंफ्यूजन ही नहीं। अरे जब भी डीएनए नाम बोला जाएगा डबल स्टैंडर्ड ही होगा, सिंगल का तो सोचना ही नहीं है। नंबर सर नंबर, हाँ नंबर कभी क्वेश्चन में नहीं है, नंबर इसका वैरी करता है, किसी किसी के अंदर एक भी हो सकता है, किसी के अंदर दस भी हो सकता है, किसी के अंदर सौ भी हो सकते हैं, किसी के अंदर तीन सौ भी हो सकता है, हंड्रेड में भी हो सकते हैं, तो टेंशन नहीं है, इसका नंबर चेंज होते रहता है। मेन वाला एक ही रहेगा, मेन वाला जो एक ही रहेगा, ये चेला चपाटे, ये मेन डाउन है, ये मेन डाउन है, मेन डाउन एक ही रहेगा, चेला चपाटा सौ पचास दो सौ तीन सौ चेंज होते रहता है, मेन डाउन एक ही रहता है। तो यही है प्लाज्मिड। सर प्लाज्मिड से करता क्या है, तो उसकी कहानी पहले सुनो। हमें कुछ बीमारी होती है, हम पे कोई बैक्टीरिया अटैक किया हो, हमें कोई बीमारी होगी, डिजीज हो गया, निमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टाइफाइड हो गया, बहुत सारे बीमारी बैक्टीरिया से होते हैं। तो हम क्या करते हैं, बीमारी हुई, टाइफाइड हुआ, हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता है हम एक दवा लिख दे रहे, इस क्या नाम है, सभी लोग यूज किए, दुनिया में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जिसने ये दवा नहीं खाई, एंटीबायोटिक्स। हाँ एंटीबायोटिक्स सब कोई खाता है, कुछ भी होता है एंटीबायोटिक्स खाने। देखो एंटी का मतलब अगेंस्ट, एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक्स मतलब लाइफ, ये बैक्टीरिया के लाइफ के अगेंस्ट, इसके अंदर में बैक्टीरिया को मारने की कैपेसिटी है, ये बैक्टीरिया, ये केमिकल, एंटीबायोटिक्स एक केमिकल है ना, और ये केमिकल बैक्टीरिया को किल कर देगा, मार देगा। तो हमें जब भी बीमारी हुई और हमारे अंदर बैक्टीरिया इंटर कर गया, डॉक्टर ने क्या दिया, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स से क्या हुआ, बैक्टीरिया मर गया। लेकिन आज हम लोग जरूरत से ज्यादा, हम लोग वायरस से भी कोई बीमारी हुई, वायरल डिजीज भी हो गया, हमें क्या हो गया, फ्लू हो गया, कोल्ड फीवर हो गया, तो हम एंटीबायोटिक्स खा लेते, कितनी बेवकूफी। ये केवल बैक्टीरिया को मारेगा, वायरस को नहीं, लेकिन हम अपने मन से, थोड़ा सा कोल्ड फीवर हो गया, थोड़ा सा फ्लू हो गया, वो वायरस से होता है, तो वायरस में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता, फिर भी अपने मन से ले लेते हैं। तो बेचारा एंटीबायोटिक्स क्या करता है, ये देखिए ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है बेचारा, ये उसका मेन डीएनए है, आपने एंटीबायोटिक्स डाला, कुछ एंटीबायोटिक्स सेल वॉल को ही तोड़ देगा, कुछ एंटीबायोटिक्स सेल वॉल को ही तोड़ देगा। दुनिया का पहला एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड हुआ था पेनिसिलिन, ये आपने पहले पढ़ा भी होगा, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन किसने डिस्कवर्ड किया, एक साइंटिस्ट एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने, हाँ इसके लिए उसे नोबेल प्राइज दिया गया। बोली ये क्या है, तो उसकी एक कहानी है, उसकी एक कहानी है कि वो अपने रिसर्च कर रहे थे, अपने लैब में रिसर्च कर रहे थे बैक्टीरिया के ऊपर में, और बैक्टीरिया अपना ग्रो कर रहा है, कॉलोनी बना, देखो ये बैक्टीरिया का ग्रुप है, गुच्छा ना, क्लस्टर, गुच्छा, इसे कहते हैं कॉलोनी, कॉलोनी नंबर वन टू थ्री, बहुत सारी कॉलोनीज है। तो रोजाना अपने रिसर्च करते थे, यहां से बैक्टीरिया निकालते थे, कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे। एक दिन क्या हुआ, लैब में इस प्लेट जहां पर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है ना, प्लेट को कवर किया और रख दिया अपने डेस्क में। दूसरे दिन आते हैं, दूसरे दिन आते हैं तो देखा कि पर्टिकुलर जगह से बैक्टीरिया मर गया, कुछ कॉलोनी मर गए, मर गया भाई, मर गया, बैक्टीरिया कैसे मर सकता है भाई, शायद लगा गया, शायद ऑक्सीजन नहीं मिला, अरे ऑक्सीजन नहीं मिला तो सारे कॉलोनी मरने थे, सभी एरिया के बैक्टीरिया मर जाने थे, शायद न्यूट्रिएंट की कमी हुई होगी तो सारे बैक्टीरिया मरने थे, तो केवल एक पार्टिकुलर लोकेशन वाला इस एरिया में ही क्यों बैक्टीरिया मरा, ये उनके दिमाग में घुस गया भाई।
अरे बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर जगह से क्यों मर रही है भाई? तो पता चला इस एरिया में कुछ केमिकल्स है, इस केमिकल्स के चलते वहां के बैक्टीरिया मर रहे। तो ले यहाँ पर केमिकल कहां से आया भाई? तो पता चला यहाँ पास कुछ फंगस फंगस ग्रो कर गया है, फंजाई ग्रो कर गए, वही केमिकल रिलीज कर रहा है। इस फंगस का नाम था पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नाम का फंगस था, उसने कुछ केमिकल रिलीज किया और इस केमिकल जितना दूर तक गया वहां के बैक्टीरिया मर गए। यानी कि फंगस के अंदर में कुछ ताकत है कुछ केमिकल रिलीज करने की, उस केमिकल का नाम एंटीबायोटिक्स, और यही एंटीबायोटिक्स क्या करेगा, बैक्टीरिया को मार दे रहा है, ना तो पहली बार ये कहानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सिखाई, उससे पहले किसी को नहीं मालूम। उस टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, लोगों को कितना वुंड हो जाता था, घाव हो जाते थे, लड़ाई लड़ते थे, बहुत चोटें लगती थी ना, तो ग्रो बैक्टीरिया का बीमारी उमारी हो जाता था, बहुत सारी बीमारियां हो जाती, इसलिए बोलते कट छट जाए तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते, लोहे से कट गया टिटनस होने के डर है, बहुत सारी बीमारियां होती ना। तो पहली बार दुनिया में एक ऐसा केमिकल आया कि जो बैक्टीरिया को मार सकता है आसानी से, तो यही पहला था कौन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स, फंगस का नाम पेनिसिलियम, साइंटिस्ट का नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तब से हम धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं, बड़ा फायदेमंद है, ले लो बैक्टीरिया का सेल वॉल को तोड़ दिया, किसी ने बैक्टीरिया के अंदरूनी पार्ट प्रोटीन बनाने, बैक्टीरिया के लाइफ के लिए बड़ा जरूरी है कि आप प्रोटीन बनना, प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम, राइबोसोम को ही खराब कर देगा, ले अगर फैक्ट्री खराब तो प्रोटीन नहीं बनेगा, बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो आज हमारे पास बहुत तरह के एंटीबायोटिक्स है, केवल सिंपल से डॉक्टर के पास चले जाओ, मेडिकल के शॉप में चले जाओ, तो तुम्हें हंड्रेड ऑफ एंटीबायोटिक्स दिख जाए, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स देगा, क्लोरामफेनिकोल तो कैनामाइसिन तो स्ट्रेप्टोमाइसिन नियोमाइसिन सीवाई लिखा रहता है, ये थोड़ा सा लास्ट में ये वर्ड होता है, तो ये सब लोग खाते, अब देखो बेचारा बैक्टीरिया मरने लगा। अब कहानी नंबर टू, कभी ऐसा देख रहा गया कि कोई इंसान को क्या हुआ, बीमारी हुआ, तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला टाइफाइड हुआ, निमोनिया हुआ, बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, तो डॉक्टर ने क्या लिख दिया, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स लीजिए ठीक हो जाएगा। उसने एंटीबायोटिक्स खाया लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, बैक्टीरिया नहीं मरा, बीमारी ठीक नहीं हुई। फिर से वो तीन दिनों के बाद जाएगा डॉक्टर के पास, देखिए डॉक्टर साहब बीमारी ठीक नहीं हुई, डॉक्टर बोलेगा एंटीबायोटिक्स चेंज करता हूं, हार्ट वाला दूंगा, दूसरा एंटीबायोटिक्स देता हूं। उसने फिर से खाया, बैक्टीरिया नहीं मरा, फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला इस बार चार एंटीबायोटिक्स चला देता हूं, एक साथ मर जाएगा बैक्टीरिया। पता चला बैक्टीरिया नहीं मरा, हाय बैक्टीरिया क्यों नहीं मर रहा है? जब तुम किसी को मारोगे तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, जब तुम किसी को मारते हो तो वो बेचारा मर जाएगा, तो अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है, कैसे? तो उस बैक्टीरिया ने, क्या किया, इसका ये मेन डीएनए था, उसने बनाया प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड के अंदर में कुछ ऐसे जीन्स है, डीएनए के पार्ट को, टुकड़े को, सेगमेंट को जीन कहते हैं, ये रेड वाला एक जीन है, ये ऐसा जीन था जो एंटीबायोटिक से लड़ सकता था। अब मान लो कि हमने यहां पर एंटीबायोटिक्स डाला, तो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स को तोड़ने की कैपेसिटी रखता है, उसके अंदर ऐसा पावर आ गया कि एंटीबायोटिक्स आता था डिग्रेड, एंटीबायोटिक्स आया डिग्रेड, दूसरा एंटीबायोटिक डिग्रेड। तो यही पास कहते हैं इसे आर प्लाज्मिड, ऐसे प्लाज्मिड को क्या कहा गया, आर प्लाज्मिड, मतलब सर रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देगा, बचाएगा एंटीबायोटिक से, क्योंकि तुम मारना चाहते हो ये बचना चाहता है ना। तो सर ये बन कैसे गया, अपने आप इवोल्यूशन, सभी लोग बचना चाहते, इंडिया के सारी आबादी को ले जाके अंटार्कटिका में रख दो -70, मर जाएगा 99% आदमी लोग,
लेकिन कुछ इंसान में कुछ बदलाव आ जाएगा और अपने आप को उस कंडीशन में अडेप्ट कर लेगा और वो बच जाएगा, फिर वहां से नए ऑर्गेनिज्म की शुरुआत हो जाएगी। तो सबको बचाना चाहता है। अब तो देखा गया ये तो बड़ा प्रॉब्लम है सर, तो हम एंटीबायोटिक्स खाएंगे कुछ होगा ही नहीं, तो बीमारी तो फैलते चला जाएगा, तो फिर मरेगा नहीं बैक्टीरिया, हम तो मर जाएंगे। हाँ, और आज तो खतरनाक रूप ले लिया है, आज तो खतरनाक रूप ले लिया है सर। क्या ये है प्लाज्मिड, ये है प्लाज्मिड, और ऐसे प्लाज्मिड इंडिया में पाए गए हैं, इंडिया में खास करके मिला है, दिल्ली में मिला है। एक ही प्लाज्मिड में ए नाम का जीन, बी नाम का जीन, सी नाम का जीन, डी नाम का जीन, एक ही प्लाज्मिड में कैनामाइसिन से लड़ने का ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन से लड़ने का, नियोमाइसिन से लड़ने का, एक ही प्लाज्मिड ऐसा हो गया जो अलग 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 एंटीबायोटिक से लड़ सके। अरे पहले वाला तो सिंगल से लड़ता था, दूसरा वाला काम कर जाता था, तीसरा वाला काम कर जाता था, अब तो आ गया मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस जीन, MDR या PDR, पॉली ड्रग रेजिस्टेंस। ये बड़ा खतरनाक है। अगर मेरे अंदर आ गया, सोचो मेरे अंदर आ गया और मुझे टाइफाइड हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास गया, एंटीबायोटिक्स किया, कोई असर नहीं, फिर से दूसरा एंटीबायोटिक्स, कोई असर नहीं, तीसरा एंटीबायोटिक्स, कोई असर नहीं, और मुझे बीमारी फैलते चला जाएगा। मैं तुमसे मिलूंगा, मुझसे तुम्हारे अंदर चला जाएगा, तो समझो ये तो बड़ा खतरनाक होने वाला है। इसलिए फ्यूचर में ये सबसे डेंजर रोल प्ले करेगा, ये फ्यूचर में सबसे डेंजर रोल प्ले करने वाला है, ये बहुत खतरनाक होने वाला है ना। इसलिए डॉक्टर बोलता है अपने मन से एंटीबायोटिक्स मत खाइए, अपने मन से एंटीबायोटिक्स मत खाइए। एक तो तुम्हें वायरस की बीमारी है, तुम एंटीबायोटिक्स खा रहे हो ऐसे ही बेकार। दूसरा, तुम इतना धड़ल्ले से एंटीबायोटिक्स खाते हो, थोड़ी सी बुखार लगी, सर्दी हुआ, खांसी हुआ, एंटीबायोटिक्स खा लिया, एंटीबायोटिक्स खा लिया, हो सकता है सारे बैक्टीरिया मर जाए, लेकिन तुम जब एंटीबायोटिक्स डाले तो उसके अंदर चेंजेस आ गया और अपने आप को एंटीबायोटिक से बचने वाला प्लाज्मिड डेवलप कर लिया। हाँ, हम गए हर महीने एंटीबायोटिक्स खा रहे, एंटीबायोटिक अपने मन से खा रहे, भाई कुछ भी हुआ एंटीबायोटिक्स खा लिए, ठीक है मर गया बैक्टीरिया। लेकिन हो सकता है कि एंटीबायोटिक्स से बचने के लिए अपने बचाव में वो प्लाज्मिड बना ले, और फिर एक बार बन गया फिर तो फैलते चला जाएगा। तो माना गया कि दिल्ली में जो घरों में पानी आता है ना, उसमें ऐसे बैक्टीरिया मिले, ऐसे बैक्टीरिया मिले ना। एक अमेरिका में एक पेशेंट मिली ना जिसे बैक्टीरिया की बीमारी थी, लोगों ने एंटीबायोटिक्स डॉक्टर ने दिया, कोई असर नहीं, फिर एंटीबायोटिक दिया, कोई असर नहीं, कोई असर ही नहीं कर रहा एंटीबायोटिक्स। पता चला अरे उसके अंदर बैक्टीरिया तो ऐसा बन गया है कि एंटीबायोटिक्स का असर ही नहीं पड़ रहा है, एंटीबायोटिक्स का असर ही नहीं पड़ रहा है। तो पता किया गया भाई क्यों, तो पता चला वो कुछ दिनों पहले दिल्ली गई थी घूमने के लिए, इंडिया आई थी, और इंडिया में ही शायद ये वाला बैक्टीरिया उसे मिल गया। तो ये आने वाले फ्यूचर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इसलिए बोलते हैं कि आने वाले टाइम में हम छोटी बीमारी से मर जाएंगे, टाइफाइड हुआ मर जाएंगे, निमोनिया हुआ मर जाएंगे, जबकि ये बहुत छोटी बीमारी है, एक हफ्ते में ठीक हो सकता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास एंटीबायोटिक्स था, ठीक कर लेते थे, मार देते। अब वो एंटीबायोटिक्स से डर ही नहीं रहे, डर ही नहीं रहे, तो समझो कितना बड़ा प्रॉब्लम करेगा। तो आने का फ्यूचर, इसलिए डॉक्टर से जब भी बातें कीजिए, ये डॉक्टर जरूर बोलेगा एंटीबायोटिक्स जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, अपने मन से दवा भी नहीं खाना चाहिए। चलो याद, क्लियर है, समझ में आया कहानी? यस सर। हाँ, तो ये चीज तुम सुनते भी होगे, न्यूज व्यूज में बोलता भी होगा डॉक्टर लोग, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो, यानी प्लाज्मिड क्लियर है तुम, ठीक। अब देखो ध्यान से, बैक्टीरिया के अंदर में ये फ्लूइड पार्ट, ठीक है, क्या बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है, क्या बैक्टीरिया के पास क्लोरोप्लास्ट है, क्या सर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं क्या? ध्यान से सुनना, कुछ बैक्टीरिया, मैक्सिमम बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक, वो पैरासिटिक है, हम पे अटैक करेगा, हमसे खाना नहीं, हम मर जाएंगे, हमें डिकम्पोज करके खा जाएगा,
अच्छा चीज तो है। अरे नहीं तो कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, कोई प्लांट मर गया तो सालों सालों तक ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तुमने देखा होगा रोड साइड जा रहे हो, कोई प्लांट का पार्ट टूट करके नीचे गिर गया, एक हफ्ते के बाद खत्म, मिट्टी में सड़ गया, डिग्रेड हो गया, खत्म हो गया। अरे अच्छा चीज है, चूहा कोई मर गया तुमने उठा के फेंक दिया बाहर, कुछ दिनों में वो चूहा डिग्रेड, मिट्टी में मिक्सअप। सर कैसे? क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस का काम अर्थ को क्लीन करना है। जो मरा हुआ है ना वहां जाइए, एंजाइम रिलीज कीजिए और उसके पार्ट को तोड़िए और तोड़ करके खा जाइए। हमारे में उनमें क्या डिफरेंस है? हम लोग क्या कहते हैं, सेब लेते हैं, सेब पहले लिया, पहले खाया फिर पचाया, पहले खा गए स्टोमेक में गया, डाइजेस्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्ट में आ गया, डाइजेस्ट हुआ, फिर ब्लड में चला गया। बैक्टीरिया फंगस की कहानी उल्टी, वो भी हेटरोट्रॉफ है, वो बोले नहीं पहले पचाएंगे फिर खाएंगे। अरे वो सेब पे बैठेंगे, सेब पे बैठ गए, एंजाइम का उल्टी मार दिया, एंजाइम बॉडी से रिलीज किया, फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट को तोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर बॉडी से एब्जॉर्ब कर लिया, फिर बॉडी से एब्जॉर्ब कर लिया। तो हम लोग और उनमें क्या डिफरेंस? हम लोग पहले खाते हैं फिर पचाते हैं, फर्स्ट इंजेशन खाया फिर डाइजेशन। बैक्टीरिया फंगस नहीं, हम पहले डाइजेस्ट करेंगे फिर हम इंजेशन, हाँ ये करेंगे, यही हम में उनमें डिफरेंस। नहीं तो कैसे लड्डू कैसे खा लेगा भाई, सेब कैसे खा लेगा? बोले हाँ सर सेब थोड़ी ना खा लेगा, इतना छोटा तो ऑर्गेनिज्म है, तो पहले तोड़ो पहले पचाओ फिर खाओ। हम लोग पहले खाओ फिर पचाओ। चल तो सर कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं क्या? हाँ करते, कुछ बैक्टीरिया हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें पिगमेंट भी है, क्लोरोफिल भी है, फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट की हेल्प से। तो सर क्लोरोप्लास्ट तो है ही नहीं, तो कैसे करेगा? आपने तो बोला था कि क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया कुछ है ही नहीं, और क्लोरोप्लास्ट नहीं तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? इसलिए इनके अंदर में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, ध्यान से सुनो, कुछ बैक्टीरिया में स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर। ध्यान से सुनना, फोर का मतलब होता है बॉडी, फोर का मतलब होता है बॉडी, क्रोमो मतलब कलरफुल, यानी कि इनमें कुछ पिगमेंट होते हैं और पिगमेंट के चलते ये कलरफुल होते हैं, और ये पिगमेंट है तो सनलाइट को पकड़ेगा और पकड़ करके इसी से फूड बना लेगा। तो प्लांट के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है, तो उसके जगह पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर रखा, क्या? क्रोमैटोफोर, सी फोर क्लोरोप्लास्ट, सी फोर क्रोमैटोफोर। तो इसे मैं कह सकता हूं क्लोरोप्लास्ट ऑफ बैक्टीरिया। एम फॉर मीजोसोम, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की इक्विवेलेंट मीजोसोम, क्लोरोप्लास्ट की इक्विवेलेंट क्रोमैटोफोर। ठीक है, तो लेकिन सब में नहीं होगा, सब में नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले ही मना कर दिया। अरे मैक्सिमम बैक्टीरिया तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं ना, ये क्रोमैटोफोर पाया जाता है। स्पेशल एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, नाम सुना होगा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है चल, यानी कि बैक्टीरिया भी अपना हिसाब किताब कर लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह मेरे अंदर भी होगा, ठीक है मेरे अंदर भी फोटोसिंथेसिस करने का होगा। हाँ लेकिन बिना प्रोटीन का तो लाइफ ही नहीं है, इसलिए प्रोकैरियोट्स हो यूकैरियोट्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइबोसोम तो रखना ही पड़ेगा, राइबोसोम तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ राइबोसोम क्या होते हैं? देखो डीएनए, ये वाइट वाला क्या है, डीएनए, डीएनए अपना छोटा भाई बनाया जिसका नाम है आरएनए, डीएनए का छोटा भाई आरएनए, और इस आरएनए से, इस आरएनए से एक राइबोसोम, दो राइबोसोम, तीन, ढेर सारे राइबोसोम जुट गए, ऐसा नहीं केवल पांच दस बीस पचास हो सकते, ढेर सारे राइबोसोम एक साथ जुट गए। सर क्यों? अरे ये राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, एक साथ सभी राइबोसोम प्रोटीन बना रहे। डीएनए मेन बॉस है,
लेकिन डीएनए ने अपने छोटे भाई को आरएनए को भेजा, मैसेज दे देना, मेरा मैसेज तू लेके जा, जैसे कल छुट्टी होनी है। तो ऐसा थोड़ी ना कि प्रिंसिपल हर क्लासरूम में आके बोले कि चलो भाई कि कल से 15 दिनों की छुट्टी है, कभी नहीं बोलता प्रिंसिपल। उन्होंने क्या किया, प्यून को बुलाया अब, और वो जो भी इंफॉर्मेशन है छुट्टी का वो इंफॉर्मेशन लिख लिया और बोला कि जाओ हर रूम में जाना, हर क्लासरूम के टीचर को दे देना और बोलना कि वो बता दे कितने दिनों से छुट्टी है। तो जो प्रिंसिपल है उनका नाम डीएनए और जो प्यून है उसका नाम आरएनए और जो क्लासरूम के टीचर है उनका नाम राइबोसोम। हाँ, तो प्रिंसिपल के पास इतना टाइम थोड़ी है, बहुत सारा काम करना होता है। क्या 20 क्लासरूम है तो 20 में जाएंगे तब तो 2-3 घंटे ऐसे ही निकल जाएगा। तो उन्होंने सिंपल मैसेज टाइप किया, प्यून को दिया, प्यून का नाम आरएनए। प्यून आया क्लासरूम में, क्लासरूम के टीचर को दे दिया। अब देखो एक साथ राइबोसोम ने कई सारे प्रोटीन बनाए ना, तो फायदा क्या है, एक साथ आरएनए से ढेर सारे राइबोसोम अटैच हो जाओ, ढेर सारे अटैच हो जाओ, तो इसी का नाम पड़ेगा पॉली राइबोसोम। देखो नाम में लिखे ना, पॉली मतलब ज्यादा, राइबोसोम या पॉलीजोम, पॉली का मतलब ज्यादा होता है। इसी को एक और वर्ड कहते हैं अर्गोसोम। याद नहीं है कोई टेंशन नहीं, पॉलीराइबोसोम केवल याद कर लिया हो गया, पॉलीराइबोसोम केवल याद है तो काम चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब देखो हो गया यहाँ पास। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको फोटोसिंथेसिस करना है, और फोटोसिंथेसिस करना है पानी में रहते, तो पानी में तैरना भी तो पड़ेगा, मतलब पानी में अंदर डूब गए तो अंदर में डूब गए तो सनलाइट तो मिलेगा नहीं, तो फोटोसिंथेसिस करोगे कैसे। फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट चाहिए, और सनलाइट चाहिए तो ऊपर में तैरना पड़ेगा, फ्लोट करना पड़ेगा, तो फ्लोट कैसे करेगा, तैरेगा कैसे। इसलिए जो बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस करना है वो अपने अंदर में एक स्ट्रक्चर रखेगा जिससे वो बायनेंसी दे, हल्का बना दे, जिसे वो पानी के सरफेस पे तैर सके। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम होगा गैस वैक्यूल, इसका नाम होगा गैस वैक्यूल। तो ये क्या करेगा, वैक्यूल खाली, एक ये भी एक ऑर्गेनल है, गैस गैस को रखे हुए। तो सोचो अगर गैस को रखे हुए गैस वैक्यूल है तो बताओ इससे क्या होगा, हल्का हो जाएगा, ऊपर तैरेगा, ऊपर तैरेगा तभी तो सनलाइट मिलेगा ना। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे गैस वैक्यूल होगा। तो एकदम क्लियरिटी आ रही धीरे धीरे, अब ज्यादा नहीं बचा, एक दो वर्ड से। अब बैक्टीरिया ने खाना बना लिया, बैक्टीरिया ने खाना बना लिया, स्टोर कहां करे, कोई स्टोरेज ऑर्गन थोड़ी है इसके पास। अरे क्लोरोप्लास्ट था, एमाइलोप्लास्ट था, ल्यूकोप्लास्ट था, कुछ उसमें होता था, यहां कहां करेगा। तो बैक्टीरिया ने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें वो स्टोर्ड करके रखेगा, नाम है इंक्लूजन बॉडीज। बोले सर ये क्या है, स्टोरेज स्ट्रक्चर, ये फूड को या कोई मिनरल, जैसे फॉस्फेट चाहिए तो फॉस्फेट को स्टोर करके रख लेगा, सल्फेट चाहिए सल्फेट को स्टोर करके रख लेगा, फूड बनाया ग्लाइकोजन उसे स्टोर कर लिया, स्टार्च बनाया स्टार्च को स्टोर कर लिया। तो इनके अंदर में कुछ स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं, फूड को स्टोर करने वाले ना, मिनरल्स को स्टोर करने वाले, जरूरत पड़ा तो देंगे, इस स्टोरेज स्ट्रक्चर को कहेंगे इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, तो मेरे में से यहां तक क्लियर है तो फटाफट एक बार रिवाइज करें, एक बार फटाफट रिवाइज कर ले इस पूरे कॉन्सेप्ट को। चलो सबसे पहले बताओ सेल एनवेलप में 3 पार्ट्स कौन कौन से आएंगे, फटाफट बोलो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स। चलो ठीक है, ये बताओ ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह के कौन कौन से होते हैं, स्लाइम एंड कैप्सूल। ठीक है, पतला कौन होगा, स्लाइम। ठीक है, चलो अब बताओ ध्यान से, सेकंड बताओ ध्यान से, ये बताओ सेल वॉल किस केमिकल का बना है, सेल वॉल किस केमिकल का बना है, म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन। हाँ, म्यूरिन का ही नाम दूसरा है पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरिन का ही नाम है पेप्टिडोग्लाइकेन। चलो सेकंड बताओ ध्यान से,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है उसे क्या कहते हैं, अंदर की तरफ धंसा होता है उसका क्या नाम होता है? मीजोसोम। मीजोसोम। मीजोसोम कितने तरह के हैं? देखो आपने लिखा भी होगा, तीन तरह के कौन कौन? टिब्यूल्स, वेसिकल एंड लैमेला। चलो ठीक है, अब बताओ मीजोसोम का तीन फंक्शन बता दो। एटीपी बनाना, सीक्रेशन करना, तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करेगा, सीक्रेशन करना, सेल के बाहर में सब्सटेंस को रिलीज करना, और तीसरा काम सेल डिवीजन में हेल्प करना। हाँ हेल्प करना, सेल डिवीजन डायरेक्टली डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, सेल वॉल बनाने में हेल्प करेगा। चलो हो गया, अब चलो अब अंदर में आ जाए तो मेन डीएनए कैसा है, सर्कुलर या लीनियर? सर्कुलर। नेकेड या कवर्ड? नेकेड। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड। सिंगल इन नंबर मल्टीपल इन नंबर? सिंगल इन नंबर। सिंगल इन नंबर, ठीक है। अब बताओ इसका एक छोटा भाई है, छोटा भाई कहने का मतलब डीएनए जो मेन डीएनए के अलावा अभी कुछ छोटे साइज के डीएनए होते हैं जिसे हम मिनी क्रोमोसोम कहते हैं, वो मेन क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा में है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, उसका नाम क्या होता है? प्लाज्मिड। हाँ प्लाज्मिड। तो देखो चार चीज याद हो गया, P4 प्रोकैरियोट्स, P4 पेप्टिडोग्लाइकन, P4 प्रोकैरियोट्स, P4 पॉलीएमाइंस, P4 प्रोकैरियोट, P4 प्लाज्मिड, P4 प्रोकैरियोट, P4 पॉलीराइबोसोम, अभी बताया था बहुत सारे राइबोसोम एक साथ जुटे हुए। चलो ठीक है, अब बताओ एक काम बताओ, प्लाज्मिड का एक काम बताओ किस चीज में हेल्प करता है, हमें तो नुकसान ही पहुंचा रहा है, बैक्टीरिया को हेल्प करने, किस केमिकल से बचने में? एंटीबायोटिक। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था? पेनिसिलिन। ठीक है, किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो। हाँ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चलो ठीक है, ये बताओ बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं है, तो जिस बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस करना है वो कैसे करेगा? क्रोमैटोफोर। ठीक है, तो उसके अंदर पिगमेंट होगा जिससे वो कलरफुल दिखेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प। चलो ठीक है, ये बताओ व्हाट इज इंक्लूजन बॉडीज? ये वाला भूल गए हैं, स्टोरेज। तुम्हारे घर में कोई स्टोर हाउस होगा ना, घर वाले ने 100 kg चावल लेते आया तो 100 kg क्या एक ही दिन में बना लोगे? नहीं, एक दिन में 1 ही kg बनेगा, तो बाकी कहीं ना कहीं स्टोर्ड हाउस में तो रखोगे। तो इसी तरह से बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा खाना बन गया, एक्स्ट्रा केमिकल्स हो गए, तो उसे स्टोर्ड करने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, नाम है इंक्लूजन बॉडीज। चलो ठीक है, ये बताओ तैरना है फ्लोट करना है, बायनेंसी फोर्स कौन देगा? गैस वैक्यूल जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में केवल पाया जाएगा, क्योंकि उनको तो ऊपर में रहना है क्योंकि सनलाइट लेना है। चलो ये बताओ व्हाट इज अ पॉलीराइबोसोम? जब राइबोसोम एक साथ आ जाता है प्रोटीन बनाने के लिए, आरएनए में चिपक जाता है, तो उसको पॉलीराइबोसोम। चलो ठीक है, अब ये तुमने अंदरूनी सारा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब थोड़ा सा बाहर का स्ट्रक्चर पढ़ा जाए, थोड़ा सा बाहर का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हो गया तुम्हारा सेल वॉल, ये हो गया तुम्हारा सेल वॉल, और ये तुम्हारा हो गया ग्लाइको कैलेक्स, ये हो गया तुम्हारा ग्लाइको कैलेक्स। ठीक है, ग्लाइको कैलेक्स। अब ध्यान से देखो इनमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिससे वो चलेंगे, इसका नाम होगा फ्लैजिला, जिसके हेल्प से वो चलेगा, फ्लैजिला। सर नंबर अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग हो, किसी में हो सकता है एक हो, किसी में 100 भी हो सकते हैं, वो नंबर के बेसिस पे अलग है, बस हमें जानना है कि अभी एक स्ट्रक्चर लॉन्ग हेयर लाइन बड़े बाल की तरह स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फ्लैजिला, जो मूवमेंट में हेल्प करेगा। इसके तीन पार्ट है, एक का नाम होगा
हुक, ये पार्ट हुक है, ये व्हाइट वाला पार्ट, ये पार्ट फिलामेंट होगा और नीचे वाला पार्ट होगा बेसल बॉडी। नीचे वाला पार्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बैठा होगा वो होगा बेसल बॉडी। जैसे ऐसे समझ सकते हो, ये बेसल बॉडी हो गया, ये पार्ट हुक हो गया और ये पार्ट फिलामेंट हो गया। हाँ, अब ये घूमते रहेगा जैसे हेलीकॉप्टर में घूमते रहते हैं, वो घूम रहा है, एनर्जी जनरेट होगा, उसी से चलेगा, उसी से चलेगा। तो पूछा जाएगा फ्लैजेला तीन पार्ट से बना है, कौन कौन सा? तो बोलिएगा एक हुक है, एक फिलामेंट है और तीसरा कौन है? बेसल बॉडी। तीसरा कौन है? बेसल बॉडी हो गया। तीसरा कौन है? बेसल बॉडी। चलो यहां तक क्लियर। अब इसमें कुछ छोटे हेयर लाइक भी स्ट्रक्चर होते, बड़ा हेयर तो पढ़ लिया ना, तो एक छोटा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करेगा, इसका नाम होगा, इसका नाम होगा फिम्ब्री। फिम्ब्री, फिम्ब्री सर, ये क्या होता है फिम्ब्री? फिम्ब्री बहुत सारे नंबर में होते हैं, 300 से 400 भी हो सकता है, बहुत सारे होते हैं फिम्ब्री। सर ये फिम्ब्री क्या करेगा? अरे मान लो इस ग्लास बॉटल में बैक्टीरिया चिपका हुआ है, और चिपकेगा कैसे? वो तो स्लिप करके नीचे क्यों नहीं गिर जाता? कोई पत्थर है तो पत्थर से स्लिप क्यों नहीं कर जाता? यानी कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर जिसे पकड़ ले पत्थरों से, या हमारे अंदर इंटर करे तो जकड़ ले, हुक लाइक स्ट्रक्चर जिसे पकड़ेगा, फंसाएगा, तभी तो अटैच रह पाएगा। तो इसी का नाम है फिम्ब्री। ये क्या काम करेगा? फॉर अटैचमेंट, फॉर अटैचमेंट, ये अटैचमेंट में हेल्प करेगा फिम्ब्री। फ्लैजेला चलने में, वो बड़े, ये समझो ये प्रोटीन कौन है? फिम्ब्री। और लास्ट एक और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, नंबर वाइज कम होंगे, नंबर वाइज कम होगा, इसे हम लोग कहेंगे पिली, पी आई एल आई। सर ये क्या करेगा? ये करेगा काम रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन में ना। तो अब तीन तरह के हेयर है, एक हेयर जो आपके हेलीकॉप्टर की तरह घूमते रहेगा, घूमेगा तो एनर्जी देगा, एनर्जी से चलेगा, भाई चलना भी जरूरी है, चल नहीं सकता बेचारा, हाथ पैर तो है नहीं, तो चलो फ्लैजेला से चलेगा। तो फ्लैजेला के तीन पार्ट, क्योंकि हमें हेलीकॉप्टर की तरह घुमाना भी है उसके ना, हुक, फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। दूसरा कौन है? पिली। दूसरा कौन है? पिली, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। और तीसरा कौन है? फिम्ब्री। फिम्ब्री ना, जो कि अटैचमेंट में, जोड़ने में हेल्प करेगा, जोड़ने में हेल्प करेगा। तो यही इनफ हो जाएगा पूरा का पूरा प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर पे हमने केवल बात की। तो अभी से तुम्हें क्या करना है, 11th क्लास की एनसीईआरटी आज मैं भेज दूंगा पीडीएफ, और वहां से आपको बस दो पेज पढ़ लेने, 9th नहीं 11th। तुम नीट के लिए अब कर रहे हो ना, धीरे धीरे नीट का करना है, वहां तो तुम क्लास में पढ़ ही रहे हो, फिर एनडीएससी ये सब जो भी आते हैं अपने आप हो जाएगा। तो तुम्हारा मेन काम क्या है,